अनुभवी रेफरियां, इस वजह से ही इस श्रृंखला बिना कोई न्यूनता के साथ कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। केवल एक कदम पीछे हैं, इस मैच के बाद फाइनल मैच होगा और इस बार भी लक्ष्य से बाहर। मुबीर लगातार वाइड के साथ अपने गेंदबाजी शुरुआत करते हुए, जब आपकी टीम 43 रन बनाकर 44 रन के लक्ष्य दिए हो तो ऐसे मौके में वाइडों से नहीं बल्कि बिंदी गेंद के साथ गेंदबाजी दिखाने हैं आपकी टीम के लिए। बिना गेंद दाखिल बने 2 रन बने हैं मुबीर की गेंदबाजी में और इस बार भी फ्लिक करने के प्रयास, इस बार भी लक्ष्य से बाहर। हैट्रिक वाइड के साथ शुरुआत करते हुए फास्टेक वॉरियर्स के गेंदबाज मुबीर, संभलना होगा अपनी गेंदबाजी पर। फास्टेक वॉरियर्स वापस आती लाना होगा क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है मुबीर जी, इसके बाद बिल्कुल मौका नहीं मिलेंगे इस प्रतियोगिता में। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और तमाम दर्शकों के निरीक्षण वाली प्रतियोगिता है ये DFC देरलकट्टे के प्रस्तुति पर सौहार्द ट्रॉफी 2022। 44 रन के लक्ष्य, तो ऐसे में शुरुआत के 3 रन वाइड के रूप पर मिलने के बाद अब 41 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए 36 गेंदों में। मुबीर तैयार, वाइड अंब ऊपर द विकेट से मुबीर, लगातार 3 गेंद वाइड के बाद चौथी बार और इस बार छेड़े दोनों फील्डरों के बीचों बीच कवर्स के एरिया पर गेंद सीमा रेखे की ओर निकलते हुए संतोष के ये सुंदर वाली चौका। क्या करारा स्ट्रोक थे यहां पर संतोष बंटवाल के। हमेशा विपक्षीय टीम जब संतोष बल्लेबाजी पर रहते हैं तो गेंदबाजी वाली टीम संतोष को निशाना बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार टिक जाते हैं मैदान में संतोष तो उन्हें आउट करना इतनी आसान नहीं बनते हैं मैदान में। अंडरआर्म क्रिकेट के लेजेंडरी खिलाड़ियों में माने जाते हैं संतोष बंटवाल को। मुबीर अगली गेंद और इस बार भी गेंद को खेले मुबीर के हाथ पर, 7 रन बने 2 गेंदों पर, बाकी बचे 4 गेंदों को डॉटेड डिलीवरी के साथ दिखाना होगा यहां पर मुबीर को। बिंदी गेंद के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाना होगा या ये साझदारी को तोड़ने की कोशिश करना होगा यहां पर मुबीर को। और इस बार अच्छी थी गेंद, काफी तुरंत गेंद को उठा लिए रफीक दिल से, बिल्कुल समय नहीं दिए, आंख चपकने से पहले ही गेंद को उठाकर बेल तक पहुंचा दिए थे। अगर संतोष थोड़ी सी भी अपनी पैर को हिलाने के प्रयास वहां पर किया होता तो मुश्किल बन जाते संतोष के लिए। तो यहां पर सुरक्षित रहे डॉट बॉल, 3 गेंदों पर रन बने हैं 7 रन, 7 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 बॉल्स। अब बचे हुए 3 गेंदों को डॉटेड के साथ विकेट के शिकार भी करना अवश्य बनेंगे यहां पर फास्टेक वॉरियर्स को। सेमीफाइनल मैच, सिवाय 2 फील्डर के, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर माजिन खड़े हैं और उसी तरह लॉन्ग ऑन पर फास्टेक वॉरियर्स के शाहिल, बाकी तमाम फील्डर 20 गजों के दायरे के अंदर अपने आप को दिखाते हुए। और इस बार भी दोनों फील्डरों के बीचों बीच संतोष फिर एक बार बल्ला घुमाए और इस बीच चौके चुराए और एक संतोष बंटवाल ने 11 बने रन संख्या, 11 ऑन द बोर्ड, 44 इज द टारगेट, दिस इज सेकेंड सेमीफाइनल मैच। हजारों दर्शक किंग स्पोर्ट्स के जरिए इस मैच को देख रहे हैं, इस सौहार्द ट्रॉफी को देख रहे हैं। मैदान पर भी आप देखिए कितने दर्शक जमे हैं इस श्रृंखला को देखने के लिए। मुबीर महंगी साबित होते हुए शुरुआत की ओवर पर, 5वीं गेंद को लेकर फिर तैयार और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी यहां पर काफी बाहर निकले और इस बार भी अंपायर ने कहा कि ये वाइड बॉल है, गलत गेंद है। तो ऐसे में रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 12 रन बने, 12 ऑन द बोर्ड। फास्टेक वॉरियर्स शुरुआत से ही मुबीर की ऐसे कुछ गलत वाली गेंदबाजी के साथ आशा छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। भले कितने भी ज्यादा गेंद पर कितने भी छोटे रन की जरूरत हो या कितने भी छोटे गेंद पर कितने भी बड़े रन की जरूरत हो, बिल्कुल मैच पर उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मैच खत्म नहीं हो जाते हैं। और टॉप एज हवा में गेंद और इसी के साथ संतोष बंटवाल अपनी पारी समाप्त कर रहे हैं कैच आउट के रूप पर। पांच गेंदों पर 12 रन बने हैं पहली विकेट संतोष के रूप पर खोने के बाद। तो अब बचे हैं 31 गेंद, 31 बॉल्स टू गो, 32 रन टू विन दिस मैच। 31 गेंदों पर 32 रन की जरूरत है यंग फ्रेंड सुरवा को। अभी भी अगर वापस आती लाते हैं फास्टेक वॉरियर्स,
अपनी गेंदबाजी पर सुधारण लाते हैं फास्टेक वॉरियर्स, विकेट की शिकार करते हैं हर ओवर पर अगर फास्टेक वॉरियर्स, तो निश्चित रूप से ये मैच इनिंग्स के आखिरी गेंद तक रोमांचन के साथ देखने को मिलेंगे दर्शकों को। 12 रन पांच गेंदों पर, और इस पांच गेंदों पर बने 12 रन पर 4 रन वाइड के ऊपर मिले हैं, 4 वाइड के ऊपर, और 2 चौके लगे हैं संतोष के बल्ले से। मुबीर फिर आखिरी गेंद को लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के खिलाड़ी राजेश ओवर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं हर्षद बजाल। मुबीर ओवर के आखिरी गेंद, तिरालीस रन बनाकर 44 रन के लक्ष्य, 44 इज द टारगेट। और इस बार अच्छी गेंद, राजेश रक्षणात्मक तरीके में गेंद को निभाते हुए एकमात्र सिंगल रन प्राप्त हुए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 13 रन, 13 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट, आउट होने वाले खिलाड़ी संतोष बंटवाल। और अब बचे हुए 30 गेंदों पर 31 रन की जरूरत है जीतने के लिए, 30 बॉल 31 रन टू विन दिस मैच, यंग फ्रेंड्स सुरवा फाइनल पर विराजमान होने के लिए। और दूसरी तरफ फास्टेक वॉरियर्स, मौका मिले हैं आपको, मौका मिले हैं फास्टेक वॉरियर्स को, सेमीफाइनल जैसे मैच खेल रहे हैं फास्टेक वॉरियर्स, अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए। जितने भी प्रतियोगिता में आपने भाग लिए थे, तो क्यों भाग लिए थे, आपके पास क्या क्रिकेट है, इस बात को आपने यहां पर अवश्य पेश किए हैं सेमीफाइनल तक अपने टीम को लेके आकर। लेकिन यहां पर अगर आप एक अच्छे नपीतुली गेंदबाजी, एक योजना के साथ गेंदबाजी, एक जादू वाली गेंदबाजी अगर आप दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से वापस आती अवश्य ला सकते हैं यहां पर। माजिन के हाथ पर गेंद सौंपे हैं टीम के कप्तान ने फास्टेक वॉरियर्स के, तो देखना है कि माजिन छोटे उम्र के एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने के नाते इस मैच पर क्या अश्विन तमान की तरह अपने बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर दिखा सकते हैं। माजिन वाइट ओवर द विकेट से माजिन तैयार, पहली गेंद राजेश ओवर के लिए, और इस बार अच्छी गेंद, मिड विकेट एरिया पर गेंद को खेले, फील्डर के हाथ पर गेंद, छोटी उम्र के साहिल तुरंत उस गेंद को उठाकर वापस कर दिए माजिन को। फास्टेक वॉरियर्स वाकई ही कुछ अच्छे खासे चतुराई वाले खिलाड़ियों को अपनी टीम पर शामिल किए हैं, छोटे छोटे उम्र से लेकर अनुभवी खिलाड़ियां आज फास्टेक वॉरियर्स पर अपने योगदान निभा रहे हैं। रफीक दिल से इमरान जैसे खिलाड़ियां अनुभवी, और रिजवान जैसे बल्लेबाज, अल्ताफ वालपाड़ी जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के सहायता लिए हैं। और इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल, हर्षद बजाल को विफल कर दिए हैं माजिन अपने गेंदबाजी में, और जरूरत भी है यंग फ्रेंड्स सुरवा के खिलाफ फास्टेक वॉरियर्स को बिंदी गेंदों के, डॉट बॉल की आवश्यकता है यहां पर फास्टेक वॉरियर्स को। माजिन ये अगली गेंद, और इस बार फुल टच गेंद हवा में, पहली टिप्पे के बाद गेंद फील्डर के हाथ पर मिले, अल्ताफ वालपाड़ी गेंद को उठाकर वापस कर दिए, एकमात्र सिंगल रन यहां पर भी प्राप्त होने के बाद रन संख्या बने हैं 15 रन। विकेट की आवश्यकता है फास्टेक वॉरियर्स को, चाहे वो राजेश ओवर हो या अर्शद बजाल, ये दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ियों में से किसी एक को तुरंत भेजने की आवश्यकता है फास्टेक वॉरियर्स इस मैच में वापसी लाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए। और इस बार भी अच्छी गेंद, एकमात्र सिंगल रन यहां पर प्राप्त हुए, क्योंकि माजिन भले ही इनकी उम्र छोटे हो, लेकिन इनकी गेंदबाजी पर जो चालाकीपन दिखाते हैं, जो परिवर्तन दिखाते हैं हर एक गेंद के बाद, निश्चित रूप से आजकल के अनुभवी गेंदबाज भी इस तरह से गेंदबाजी अपने दिमागीपन के साथ नहीं दिखाते। माजिन अगली गेंद, वाइट आर्म ओवर द विकेट, और बार थोड़ी सी लंबी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर थे, वाइट बॉल की इशारा, और इस वाइट बॉल के बाद 17 रन बने रन संख्या, 17 इज द टोटल। दूसरी ओवर के पांचवी गेंद को लेकर फिर माजिन तैयार, वाइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार उछाए हवा में गेंद, और फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन ना यहां पर तो फील्डर ने टिप्पा खाने तक इंतजार किए, कैच लेने की आवश्यकता थी यहां पर, अगर गेंद के साथ आंख मिलाया होता तो निश्चित रूप से कैच बन जाते ये गेंद, लेकिन फील्डर ने
गेंद को टिप्पा काटने तक इंतजार किए और टिप्पा काटने के बाद तो गेंद फील्डर को टाटा कहते हुए गेंद सिमारे का पार कर चुके हैं। चार रन के इजाफा बने, चौके के मौका बने यहां पर हर्षित बजाल को और इस चौके के बाद अब रन संख्या बने हैं 21 रन 21। दूसरी ओवर के आखिरी गेंद मजिन हर्षित बजाल को और इस बार ये देखिए हर्षित के स्पेशल छक्का। वाह भाई वाह, क्या शानदार कलेक्शन कहने होंगे यहां पर। माजिन के आखिरी गेंद पर अपने ही अंदाज में गेंद को सीधे ऐसे लगा कि वो जगह खुद खरीद लिए हैं अर्शद ने। बहुत ही शानदार तरीके से पिछले मैच पर भी एनएम जप्पू के खिलाफ पहली गेंद पर ही छक्के चुराए थे हर्षद ने, तो इस छक्के के बाद अब रन संख्या चलान लगाते हुए 27 रन 27 इज द टोटल लेफ्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर। अब केवल 17 रन पीछे खड़े हैं 24 गेंद बाकी, 24 गेंदों पर 17 रन की जरूरत, रिक्वायर्ड 17 रन टू विन दिस मैच फ्रॉम 24 बॉल्स। तो दूसरी ओवर के समाप्ति के बाद अब अल्ताफ वालपाड़ी के हाथ पर गेंद सौंपे हैं लेक्समिन के कमाल के दिखाने के लिए। तो क्या इस देर लकट्टे के ग्रीन मैदान पर आज एक इतिहास बना पाएंगे लेक्समिन की गेंदबाजी। 24 गेंदों पर 17 रन की जरूरत है। राजेश उबर और हर्षद बजाल बल्लेबाजी पर आप देख रहे हैं, हर्षद बजाल तो उनकी बल्लेबाजी की अगर तोलमोल करें तो मैं कहना चाहूंगा टेनिस बॉल क्रिकेट में उस्मान पटेल के नाम आप सुने हैं, उस्मान पटेल जो टेनिस बॉल के एक बेहतरीन 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 क्रिकेटर है, अगर आप चाहे तो YouTube के जरिए देख सकते हैं उस्मान पटेल, अगर आप टाइप करेंगे तो उनके वो पराक्रम वाली बल्लेबाजी आप देख सकते हैं YouTube चैनल पर। उसी तरह अंडरम क्रिकेट के उस्मान पटेल है ये हर्षद बजाल। किसी भी मैदान हो, किसी भी प्रतियोगिता हो, किसी भी गेंदबाज हो, मायने नहीं रखते हर्षद बजाल को। और इस बार ये देखिए राजेश उबर, क्या यहां पर एंग फ्रेंड सुरवा इतने विश्वास के साथ हाइलाइट्स दिखा रहे हैं मैदान में, कभी हर्षद बजाल के बल्ले से और कभी राजेश उबर के। ये दोनों खिलाड़ियां इन फॉर्म वाले पावरफुल फॉर्म के साथ गुजर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ियां, राजेश उबर हो या हर्षद बजाल। और इस बार कट कर दिए राजेश उबर, लेकिन रन के लिए बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाए हर्षद ने। रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 31 रन 31। और इस बार फुल टच गेंद और विकेट के पीछे छलांग लगाते हुए गेंद सीमारे का पार कर चुके हैं, चार रन के इजाफा और अंपायर शायद नो बॉल की इशारा दिखा रहे हैं स्क्वायर लेग अंपायर राजेश पटेल। तो ऐसे में 1+4 5 रन मिलेंगे और एक फ्री हिट के मौका, फ्री हिट के मौका मिलेंगे। अब इस 5 रन के बाद रन संख्या बने हैं 36 रन 36, 8 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। फ्री हिट और इस बार फ्री हिट के फायदा नहीं उठा पाए डॉट बॉल। 36 रन बने रन संख्या 36 इज द टोटल, 44 इज द टारगेट। और इस बार भी अच्छे थे गेंद घुमाने के प्रयास बनाए लेग बाई के इशारा अंपायर से और इस लेग बाई के साथ सिंगल रन बनते ही रन संख्या 37 पर 37, 7 मोर रन टू विन दिस मैच। और बार गेंद को इंतजार करते हुए आखिरी मौके पर गेंद को मिड विकेट एरिया पर गेंद को छेड़े हर्षद बजाल, 38 रन बने रन संख्या, 6 रन की जरूरत है 6 रन टू विन दिस मैच। और इस बार बिल्कुल रन नहीं डॉट बॉल। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बने हैं 38 रन 38 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। केवल मात्र 6 रन की जरूरत है बाकी बचे 18 गेंदों पर, 18 बॉल 6 रन टू विन दिस मैच, एंटर टू द फाइनल एंग फ्रेंड सुरवा। फाइनल एंट्री लेने के लिए और श्रृंखला को देखने के लिए कई सारे महारथियां यहां पर अपने कदम बढ़ाए हैं। ग्राम चावड़ी फ्रेंड सर्कल के समच चमो जो सौहार्द ट्रॉफी प्रतियोगिता बनाए थे, बहुत ही शानदार प्रतियोगिता समच चमो के नेतृत्व पर, जमाल और समच चमो
समल चम्मू हर दिन परिश्रम निभा रहे थे उस श्रृंखला के कामयाबी के लिए, तो निश्चित रूप से समझ चम्मू के वो तमाम परिश्रम एक बेहतरीन रूप पर देखने को मिले हैं। हम स्वागत करते हैं समझ जी श्रृंखला में आपको। इमरान वाइट एम राउंड द विकेट, हर्षद को और इस बार गेंद को खेले, गेंद सीधे सीमा रेखा की तरफ, चार रन, केवल एक विकेट के नुकसान पर। तो मैच समाप्त हो चुके हैं, यहां पर 44 रन बन चुके हैं यंग फ्रेंड सुरवा के, फाइनल पर विराजमान हो चुके हैं यंग फ्रेंड सुरवा। 6 रन की जरूरत है, पिछली गेंद पर तो वाइड प्लस वन मिले थे और इस बार 4 रन मिले, चौके मिले, और इसी के साथ साथ यंग फ्रेंड सुरवा फाइनल पर विराजमान होकर बी बॉयज के खिलाफ खेलेंगे फाइनल मैच इस मैदान में। और हम धन्यवाद कहते हैं फास्टेक वॉरियर्स के सभी खिलाड़ियों को, आप अपने बेहतरीन क्रिकेट दिखाकर सेमीफाइनल तक अपने सफर बढ़ाए और सेमीफाइनल पर निर्गमन लिए, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए, अपने कोशिश जारी रखिएगा, जीत एक ना एक दिन आपके पास जरूर होंगे फास्टेक वॉरियर्स। और उसी तरह अभिनंदन करते हैं यंग फ्रेंड सुरवा को फाइनलिस्ट बनने के लिए, धन्यवाद।